तो दोस्तों इस पार्ट में हमें अनविल खेलना है और इसमें हमें जंप करना है एयरक्राफ्ट से एयर ड्रॉप होके, और आगे हमें टोह लेना है पूरे एरिया का। मतलब एक तरीके से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस टाइप है। अब हम कूदने वाले हैं इधर। वो सीन देखो भाई, ये थोड़ा सा रियलिस्टिक थे लोग लगाया। तो अब हम उतर चुके हैं, एयर ड्रॉप कर चुके हैं, और अब हमें मिलती है एक नई गन स्नाइपर। अब ये बता रहा है कि आगे बहुत सारे एनिमी हैं और उनको बिल्कुल भी एयर ड्रॉप की खबर नहीं मिली है। अभी इधर हमें ड्रोन मिल चुका है, अभी इसको यूज़ नहीं करना है, आगे यूज़ करेंगे। अभी स्नाइप करते हैं, देखते हैं स्नाइपिंग वाले वेपन में कितना पावर है। बट इसमें गोली की बिल्कुल जो एक लाइन होती है ना, वो दिख नहीं रही है कि गोली कहाँ से जाती है। जैसे एयर को चीरती हुई गोली जाती है ना, तो बिल्कुल एक वैसा सा बनता है ट्रेल टाइप का। ये असॉल्ट राइफल से मार रहे हैं और फिर भी मुझे कैसे असर हो रहा है इतनी दूर से? कुछ भी नहीं तो ये 1.5 किलोमीटर का एरिया होगा आराम से, और उसमें असॉल्ट राइफल काम कैसे कर रही है पता नहीं। क्योंकि तो बेसिकली एयर राइफल का जो रेंज होता है वो 500 से 600 मीटर का होता है, और हम जो यूज़ कर रहे हैं वो स्नाइपर है, उसका 1.5 से 4 किलोमीटर का रेंज होता है। ये देखो बस बाल बाल बचे हैं। पीछे से कोई मार सकता है क्या? लगता नहीं है कोई है। तो हम सारे बंदों को पेल चुके हैं। अब कोई वेपन लेना चाहिए शॉर्ट रेंज। इधर एक बंदा है छुपा हुआ। ओ मर 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 मर। अब इसको मैं पिस्टल से ही मारता हूँ, देखो ये तो गया काम से। देखते हैं पिस्टल की रेंज क्या है। इसमें एक सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई रेंज नहीं है किसी वेपन की, कहीं से भी मार दो। पिस्टल की रेंज होती है मुश्किल से 150 से 200 या 250 मीटर तक। अब ये पता नहीं कैसे इतनी दूरी से मार रहा है। ओ भाई स्नाइपर है कोई, अच्छे से ठोक रहा है भाई। देखना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा इसका। कौन है कौन है कौन है? इधर कुछ डेंजरस सा है। लो वो अलर्ट और हो गया।
गोली भी नहीं लगी और अलर्ट भी हो गया। अभी आर्मर के पीछे है तो इसका कोई स्नाइपर राइफल कुछ कर नहीं सकती। कोई पीछे से भी मार रहा है क्या? लगता तो है। इसकी तो लेनी पड़ेगी। ले बेटा गया। एक और है कोई भाई? इधर है कि पीछे है? कोई फिक्स नहीं है, शायद पीछे होगा। ओ इधर ही है भाई, तू तो गया बेटा। भाई हेलमेट पता नहीं हवा में कैसे उड़ जाता है, पता नहीं। ये नहीं मरने वाला है ऐसे, इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। ये है इसका इंतजाम, ड्रोन अपना। अब बेटे तू गया। अब देखो इसकी पप्पी कैसे लेते हैं। बूम, ये क्या? बस कर भाई बस कर। ओ भाई बचा, एक गोली और लगती मैं खत्म था। लगता है सफाया हो गया। हमने C4 का यूज नहीं कर पाए हैं। एक और बंदा है। शिट, तो सांसें कैसे लेने लगता है कि असली में मर रहा हो। कोई तो है भाई, भाई स्नाइपर है कोई ना कोई। एक गोली में ढेर कर रहा है। तू तो गया। और कोई है तो आगे दिखाओ सामने। स्नाइपर का कुछ करना पड़ेगा भाई। ये और आ गया फुद्दू आदमी। इसमें जैसे निकलता है ना कि आप गोली चलाते हो तो एक धुआं सा निकलता है जो गोली के ट्रेल दिखाता है। स्नाइपर में सबसे ज्यादा इधर लैकिंग यही कर रहा है। उतनी रियलिस्टिक नहीं है स्नाइपिंग वाली इसकी जितनी होनी चाहिए। इसका तो मैंने उड़ा दिया हेलमेट। एक और आ गया। तो ये हम कैप्चर कर चुके हैं एरिया, अब आगे बढ़ना चाहिए। जाना कहाँ से है? इधर से जाना है क्या? चलो जाके देखते हैं। क्या पता क्या करना है। हम एरिया से बाहर हैं तो हमें इधर से फटाफट निकलना पड़ेगा, नहीं तो मिशन ही ये अकम्प्लिश्ड हो जाएगा। मिशन कैंसिल हो जाएगा। गया बेटा तू तो। एक और है छुपा हुआ। वो कितने हैं भाई? लगता गए। चेक करना पड़ेगा जाके। शॉर्ट रेंज का कोई वेपन ले लेते हैं, नहीं तो भाई खात्मा हो जाएगा अच्छे से। बंदे तो हैं उधर, एक दो तो हैं शायद।
देखो आवाज तो आ रही है, दो हैं शायद, क्या करें, ये तो गया। बच गया भाई, पूरा खून ही खून हो गया। तू गया बेटा, तू गया, तू नहीं बचने वाला अब। ये और आ गए महाशय। जब मैं पिस्टल से इतने लोगों को मार लेता हूँ तो मुझे स्नाइपर क्यों दी है? कोई ना कोई तो एक और है बंदा। वाह यार, मैंने तो बिल्कुल छड़ी लगा दी। अब ये एरिया कैप्चर करने वाले हैं, और इधर कुछ हथियार भी मिलने वाला है क्या? बंदा आ रहा है उधर। ये तो गया। इधर कुछ मुझे हथियार मिला है शायद। कोई ड्रोन मिला है हमें, असॉल्ट ड्रोन मिल गया, वेरी नाइस। ये रोबोटिक ड्रोन जो इसमें मिलता है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है चलाने में। ब्लू स्मोक रेड से, जब ब्लू स्मोक हो जाता है इसका मतलब है कि आपने एरिया वो कैप्चर कर लिया है। इधर भी कहीं ना कहीं स्नाइपर हो सकते हैं। एक एक करके क्लीन अप करना पड़ेगा। देखो एक आवाज आई ना, जैसे किसी ने फायर किया है, कोई ना कोई स्नाइपर है इधर। पहले तो इसकी ली जाए, दूसरा भी गया, एक और ये है कहीं छुपा हुआ, ये रहा, ये गया, ये तो मत लगता है पिस्टल से ही जाएगा। मतलब एक साथ कितने लोग आओगे भाई? चीटिंग करते रहो बस। ओ बचाऊं, लास्ट मोमेंट पे था, अगर एक आध गोली और लगी होती टपक गया होता। बंदा है उधर। ओ ओ स्नाइपर, भाग ले भाई भाग ले। क्या लेके भाग रहा हूँ मैं हाथ में? स्नाइपर निकाल भाई, वो था कहाँ बंदा? कहीं ना कहीं तो ये है। गया बेटा, एक और है। ओ दिख गया बेटा, अब तू नहीं बचेगा। पहले मैं हेल्थ बढ़ा लूं। ये नीचे से बहुत मार रहा है चिंदी चोर। बेटा गया तू, मरने से पहले भी एक गोली मार के गया है। इसको तो एक गोली पड़ी। एक और ले ले भाई, खत्म। ये कैसे आराम से बैठा हुआ? ओ भाई, इसकी हेलमेट कहाँ उड़ गई? कुछ इस गेम में ना काफी कुछ ग्लीचेज हैं। रियलिस्टिक में देखोगे कभी ऐसा नहीं होता कि हेलमेट उड़ जाता हो। और जब भी मैं इसकी गन कोई भी चेंज करूंगा ना, तो देखना आप, जब भी पिस्टल पे चेंज करते हो पिस्टल रीलोड होती है ऑटोमेटिकली।
इसमें ग्लिचेस हैं अभी काफ़ी, बट देखा जाए तो ये पुराना गेम भी है, तो उसमें होने तो नॉर्मल सी बात है। अब हम लोग ये एरिया कैप्चर करने वाले हैं। अब ये रेड वाला जो स्मोक है धीरे धीरे ब्लू में चेंज होगा। देखो अब हमने कर लिया, हमें ड्रोन भी मिल गए दो, और इधर वेपन्स भी रीलोड करेंगे। अब ये स्मोक ब्लू में हो गया। ऊपर कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं, खा लिए। अब आगे चलना चाहिए दूसरे एरिया में। ये कुछ डरावना एरिया सा लग रहा है क्या? स्नाइपर ले लें क्या? चलो इसको उड़ा के देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। देखो भाई अलर्ट हो गई है, बीच में जाके फटूंगा। दो तीन को तो ले गया मैं, बाकियों को गन से देख लूंगा। ये देखो ये ग्लिच आया था ना अभी, भाई मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मेरे को डर क्यों लग रहा है? मैं कितना आराम से धीरे धीरे चल रहा हूँ, मेरी फट रही है इधर। एक तो दिखा बंदा, उसने मुझे पहले देख लिया। लेकिन बेटा तू मरेगा, एक आध बंदा तो और भी है कोई छुपा हुआ। ऊपर से चलते हैं। अब ये दूसरा वाला लास्ट बचा हुआ है, इसको भी मैं यूज़ कर लूँगा। ये देखो उधर छुपा हुआ है, देखो पप्पी कैसे ली जाती है। ये लो बूम, इधर भी एक ड्रोन मिलने वाला है, असॉल्ट ड्रोन मशीन गन वाला। हमें मिल गया एक ड्रोन। हमने वेपन रिलोड किया और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सिक्योर करना है आगे वाले एरिया को। इधर लग रहा है कुछ घमासान होने वाला है। ये तो आर्मर्ड है भाई, इस पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला, शायद दूसरा कुछ उपाय करना पड़ेगा। साइड से देखें कैसे किसी एक आध बंदे को उड़ा सकते हैं। ये बहुत अलर्ट है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसके आर्मर पे।
इधर कोई है, इसको लेते हैं। गया ये तो। मुझे ये व्हीकल लगाना है, ड्रोन को स्टार्ट करना है, बट कोई जमीन ऐसी नहीं मिल रही जिस पे ये आके बोले कि हाँ भाई इधर रखो। अब जहाँ पे वो ग्रीन कलर का दिखेगा ना, सर्कल दिखेगा, उसका मतलब हम उधर जो है इस वेपन को ठीक से रख सकते हैं या हम असेंबल कर सकते हैं। बट इधर असेंबली जैसे कुछ भी चीज़ इधर नहीं दिख रही है, क्योंकि वो मार्किंग दिखा रहा है कि हम इधर इस जगह पे स्लोप वाले एरिया पे रख ही नहीं सकते। अब कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा जुगाड़। इधर मैं स्नाइपिंग की बुलेट ही बर्बाद कर रहा हूँ लग रहा है। ये तो एक मिला, ये तो गया। ग्रेनेड फेंक के देख लेते हैं कुछ हो जाए तो। कुछ फर्क नहीं पड़ा इनको। काफ़ी हैवी आर्मरी है इधर, तो हमें वो चीज़ सब मशीन गन यूज़ करना ही पड़ेगा। ये देखो इधर हमें मार्किंग मिल गई, अब ये हमारा ड्रोन तैयार हो गया। अब देखो क्या गदर मचने वाला है। आओ बेटा कौन आएगा, ये देखो इसका जलवा। आर्मर को बिल्कुल पायर्स कर देता है, भेद देता है। देखो मैंने क्या गंध मचा दी है। भाई दम है इस गन में, तगड़ा ड्रोन है भाई ये। अब हम जितना आगे जाएंगे इसका रेंज जो है ना कम होता रहता है सिग्नल स्ट्रेंथ, तो हमें उसी रेंज में मार के बंदों को और फिर दोबारा वापस हो देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, मैं इसको कभी भी दोबारा रीयूज कर सकता हूँ। अब उठा भी लो मालिक, मुझे अभी तक ये पता नहीं चला कि इसको उतारना तो ठीक है लेकिन लेना कैसे है। मेरे ख्याल से आर दबाने से जो होता है ये इसको ड्रॉप कर देता है और एक्सेप्ट कर लेता है, बट ये अभी काम नहीं कर रहा। देखते हैं ये इधर स्टक हो गया क्या। ये हो गया, अब हम इसको आर दबाएंगे और हम इसको दोबारा ले सकते हैं। चलो ये हो गया, अब आगे के फॉरवर्ड बेस पे बढ़ते हैं। अब हमें इन मिसाइल्स जो है इसको डिस्ट्रॉय करना है। ये चार्ज बिल्कुल मस्त लगता है, बिल्कुल चार बटन दबाओ, चार कोड डालो और भाई साहब बूम। तो ये वाला हमारा क्लियर कट हो गया, बिल्कुल हमने ये मिशन कंप्लीट कर लिया।